मौसम के रुख में बदलाव को लेकर वायरल के रूप में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। बदलते मौसम, बरसात के बाद के उत्तराखंड में तेजी से डेंगू का प्रकोप फैलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर जशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि अभी तक जशपुर में डेंगू का लक्षण किसी मरीज में नहीं आया। वायरल का प्रकोप जमकर बरस रहा है। वायरल मरीजों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। लगातार उन मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। डेंगू को लेकर जशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह अलर्ट है। डेंगू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करा रखा है। वहीं डॉक्टर हितेश शर्मा ने जनता से अपील की है कि आपने अपने आसपास नालों में, नालियों, गड्ढों में जल भराव ना होने दें। जल भराव होने के चलते ही डेंगू के मच्छर जन्म लेते हैं। किसी भी हालत में जल भराव ना होने दें। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्षेत्र में, जशपुर क्षेत्र में वायरल बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या इस बीच बढ़ी है, लेकिन हमारे द्वारा जिन लोगों की जांच करवाई हुई है उनमें किन्हीं को डेंगू की डायग्नोसिस नहीं हुई है, और हम पूरा अपना ध्यान रखे हुए हैं, पूरा फोकस अपने ग्रामीण एरियाज पर कर रहे हैं। हमारी जो आशाएँ हैं प्रत्येक क्षेत्र में जा करके और सर्वे कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं।